हेलो दोस्तों, हमारे चैनल मोबाइल एंड बिजनेस सॉल्यूशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज देखिए, हम लोग सैमसंग J76 से इसका FRP लॉक खोलना सीखते हैं। देखिए, इसमें आपने मैंने स्टार्ट में क्लिक किया। स्टार्ट में क्लिक करने के बाद हमारा यह हो क्या रहा है, यहाँ पर देखिए स्किप का ऑप्शन नहीं आ रहा, नेक्स्ट कर रहा तो नेक्स्ट नहीं हो रहा, तो इसका ही FRP लॉक बोलते हैं। इसका FRP लॉक खोलने के लिए सबसे पहले मैं अपना मोबाइल का स्विच ऑफ करता हूँ। मोबाइल का स्विच ऑफ करने के बाद मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि जिस कॉम्बिनेशन फाइल से इसका मैं लॉक खोलने वाला हूँ, उस कॉम्बिनेशन फाइल का पासवर्ड आपको वीडियो का लास्ट में मिलेगा। इसलिए यह वीडियो पूरा देखते रहिए, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, बार बार कमेंट करते हैं पासवर्ड तक। पासवर्ड बिल्कुल लास्ट में, जो अपने आप वीडियो खत्म होगा तभी पासवर्ड दिखेगा, उससे पहले पासवर्ड बिल्कुल नहीं दिखेगा। तो देखिए, इसका मॉडल नंबर है सैमसंग J7 10F। तो इसका हम लोग आज FRP लॉक खोलने जाते हैं। FRP लॉक खोलने के लिए सबसे पहले मैं मोबाइल को साइड में रख लेता हूँ। साइड में रखने के बाद मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर लैपटॉप में जाता हूँ। लैपटॉप में आने के बाद यहाँ पर जो आया हुआ है मेरा लैपटॉप का, इसको मैं बंद कर देता हूँ। बंद करने के बाद मैं सबसे पहले यहाँ पर रिफ्रेश करने के बाद हम वहाँ ओडिन, देखिए हमारा यहाँ ओडिन है, ओडिन ओपन करता हूँ। ओडिन ओपन करने के बाद यहाँ पर ओडिन टूल है, ओडिन टूल को ओपन करता हूँ। ओडिन टूल को ओपन करने के बाद यहाँ पर AP में जाना है। AP में जाने के बाद जिस कॉम्बिनेशन फाइल से मैं खोलने वाला हूँ वही ले रहा हूँ, वही सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन कर देता हूँ। तो आप लोग को पहले इसे पासवर्ड दिया रहेगा, पासवर्ड से पहले खोल कर इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा, फिर उसके बाद सिलेक्ट करिएगा AP में, क्योंकि पासवर्ड फाइल AP में सिलेक्ट करने से काम नहीं होगा। इसलिए पहले आप पासवर्ड खोल लीजिएगा, फिर AP में सिलेक्ट करिएगा। अब मैं AP में क्लिक करके यहाँ पर इसको रख दिया। रखने के बाद मैं अपना मोबाइल पर आता हूँ रिटर्न। अब देखिए, मैं मोबाइल में सबसे पहले मैं बैटरी लगाता हूँ। बैटरी लगाने के बाद वॉल्यूम प्लस माइनस पावर एंड होम की, इतना इसमें बटन दिया गया है, तो मैंने इसमें वॉल्यूम माइनस पावर एंड होम की तीनों एक साथ दबा रहा हूँ। देखिए, वॉल्यूम माइनस पावर एंड होम की तीनों एक साथ दबाने से हमारा डाउनलोडिंग मोड में चला है। डाउनलोडिंग मोड में जाने के बाद आपको यहाँ पर यह डाटा केबल है, इसके अंदर लगाना है। डाटा केबल लगाने के बाद आपको वॉल्यूम प्लस दबाना है। डाटा केबल लगाने के बाद वॉल्यूम प्लस दबाना है। वॉल्यूम प्लस दबाने के बाद यहाँ पर देखिए, ओडिन के अंदर यहाँ ऐड लिखा गया है। देखिए, यहाँ ऐड लिखा गया। अब ऐड लिखाने के बाद आपको यहाँ अब स्टार्ट में, यहाँ पर स्टार्ट बटन है, यहाँ पर स्टार्ट बटन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। स्टार्ट बटन में क्लिक करने के बाद ये कि हमारा यूजर डाटा देखिए फेल हो गया। फेल होने के बाद आपको फिर मोबाइल पे आना है। अब देखिए, यहाँ पर वही अब इसके आप यहाँ पर आप बैटरी निकाल के एक बार लगाइए। बैटरी निकाल के लगाने के बाद पावर बटन दबाइए। पावर बटन दबाने पर यहाँ पर एन एरर बोल के एक ऑप्शन आएगा। देखिए, एन एरर बोल के एक ऑप्शन आ गया। अब इसको ऑप्शन को आने के बाद आप सबसे पहले फिर से डाटा केबल लगाइए और उसके बाद लैपटॉप में जाइए। लैपटॉप में जाने के बाद आपको यहाँ पर फिर से आपको स्टार्ट बटन में क्लिक करना है। तो मैंने स्टार्ट बटन में यहाँ क्लिक किया। उसके बाद देखिए, यूजर डाटा रिसेट, देखिए हमारा रिसेट हो गया। देखिए मोबाइल, देखिए मोबाइल में मोबाइल देखिए हमारा सैमसंग गैलेक्सी J76 अब स्टार्ट हो रहा है। अभी स्टार्ट होने में 2-5 मिनट समय लगेगा, तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। ये हमारा पास हो गया। फर्स्ट टाइम आपका फेल मारेगा, लेकिन सेकंड टाइम देखिए हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों, फाइल का पासवर्ड आपको वीडियो के लास्ट टाइम मिलेगा, अभी बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब चाहिए डाटा केबल निकाल दीजिए। मैं डाटा केबल निकाल दिया, लैपटॉप बंद कर दिया, क्योंकि अब लैपटॉप का डाटा केबल कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन स्टार्ट होने में समय लगेगा 2-5 मिनट, इसलिए आपको अभी वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद अभी तक आपका इसमें और एक प्रॉब्लम है, तो मैं आपका आगे का प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ, इसीलिए आप यह वीडियो पूरा देखते रहिए। देखिए, यह हमारा अब स्टार्ट हो गया। कनेक्ट चार्जर लगाने बोल रहा है। अब यहाँ पर देखिए इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन आ गया है। अब इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन चल रहा है, इसको चलने देते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोज ऐप करना पड़ेगा। क्लोज ऐप करने के बाद इंस्टॉलिंग एप्लीकेशन अभी हो रहा, होने देते हैं। अब देखिए, यह हमारा चालू हो गया है।